नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ। ये कहानी तीन बाप बेटों के ऊपर आधारित है, जिन्हें अपनी ही घर की नौकरानी से प्यार हो जाता है और वो तीनों उसके साथ टपाटप करना चाहते हैं। और फिर आगे मूवी में क्या क्या होता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी के शुरू में हम एक अमीर आदमी इग्नेजियो को देखते हैं, जिसकी वाइफ की मौत हो गई थी, और हम उनके फ्यूनरल को भी देख पाते हैं। इग्नेजियो के तीन बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम एंटोनियो था और उससे छोटे बेटे का नाम नीनो था और सबसे छोटे बेटे का नाम इंजीनियो था। उसकी वाइफ की मौत के बाद उन तीनों बेटों की जिम्मेदारी इग्नेजियो के ऊपर आ गई थी, लेकिन उन तीनों बेटों को अपनी माँ और इग्नेजियो को अपनी वाइफ के मरने का बिल्कुल भी गम नहीं था। लेकिन वो रिश्तेदारों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद ये लोग भी अपने घर आते हैं और उन्हें अपने घर में एक खूबसूरत लड़की दिखती है। उसने सफाई के साथ साथ घर का पूरा काम खत्म कर दिया था और सब लोगों के लिए डिनर भी बना लिया था। इसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अनजान लड़की हम सब के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। तब वह लड़की अपना नाम एंजेला बताती है और उसकी वाइफ ने एंजेला को अपनी मौत से पहले वहाँ काम करने के लिए रखा था और आज एंजेला का काम पर पहला दिन था। एंजेला का बिहेवियर इतना ज्यादा फैमिली फ्रेंडली था, इसलिए सब लोग उसे जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और एंजेला उस घर की सुपर मेड बन जाती है। वो उस घर को इतनी अच्छी तरीके से संभालती थी कि इग्नेजियो के बेटों को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी और इग्नेजियो को भी उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए वो अपनी वाइफ की कब्र पर जाके बोलता है कि तुम तो चली गई, लेकिन तुम हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम करके गई हो, और वो अपनी वाइफ को थैंक्स बोलता है। इधर एक विधवा महिला जिसके हस्बैंड की हाल ही में मौत हो गई थी, वो इग्नेजियो से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो उसके साथ शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जी सके, क्योंकि इग्नेजियो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अगले दिन एंजेला को अपने कपड़ों में से एक फूल मिलता है, लेकिन एंजेला को ये नहीं पता था कि ये गुलाब का फूल उसके लिए किसने रखा है। लेकिन इस बात से एंजेला को कोई तकलीफ नहीं थी कि घर में कोई उसे पसंद करता है। अगले दिन इग्नेजियो का मंझला बेटा नीनो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था और तभी अचानक से उसके पैर में कांच लग जाता है और घर आने पर एंजेला उसकी मरहम पट्टी करती है, पर नीनो उसे कुछ और ही समझ लेता है। और अगले दिन नीनो अपने दोस्त के घर जाकर उसे बोलता है कि एंजेला ने मेरी मरहम पट्टी की है, जिस पर वो नीनो से बोलता है कि अगर तुमने मुझे एंजेला की एक झलक दिखलाई तो मैं भी तुम्हें अपनी बहन की झलक दिखलाऊंगा। जिसे सुनने के बाद नीनो को भी काफी मजा आ जाता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अगले दिन एंजेला को पता लगाना था कि हर रोज उसके लिए गुलाब का फूल कौन रख कर जाता है, और वो नीनो को ऐसा करते हुए देखती है, पर एंजेला को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि नीनो उसके लिए गुलाब का फूल रखता है और उसे पसंद करता है। इसके बाद नीनो हर रोज अपने दोस्त के घर जाने लगता है ताकि वो उसकी बहन के साथ बातचीत कर सके, और नीनो के दोस्त की बहन भी उसके साथ मजे लेने लगती है, जिसमें नीनो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने एंजेला की अनबॉक्सिंग कर दी, जिससे उसका दोस्त भी नीनो से एंजेला की इस स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछता है, क्योंकि उसमें उसे काफी मजा आ रहा था। इधर एंजेला का काम देखकर इग्नेजियो के दिल में भी घंटी बजने लगती है और पहली बार उसे एंजेला का काम पसंद आया था। लेकिन उसका बड़ा बेटा एंटोनियो भी कुछ कम नहीं था और उसको भी एंजेला काफी पसंद थी। मतलब एंजेला को देखकर तीनों बाप बेटों का हथियार खड़ा हो रहा था और तीनों उस बेचारी लड़की की केनी छेनी बनाना चाहते थे। एक बार एंजेला अपने काम से एक दिन के लिए छुट्टी लेती है और इग्नेजियो को लगता है कि एंजेला अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन एंजेला उसे क्लियर कर देती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर इग्नेजियो को ऐसा लगता है कि उसे लॉटरी लग गई है और वह एंजेला से शादी करने का प्लान बनाता है। अगले दिन नीनो का बड़ा भाई एंजेला से मजे ले रहा था तो नीनो उसका विरोध करता है, जिसके कारण उन दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है, जिस पर एंजेला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों भाई नहीं मानते, क्योंकि उन दोनों को एंजेला के सामने एक दूसरे से जीतना था। लेकिन नीनो अपने बड़े भाई से पिट जाता है और उसे गिल्टी फील होता है कि वो एंजेला के सामने पिट गया। उसी रात एंजेला नीनो के घर जाकर उसे मनाती है और वो उसे बोलती है
कि मुझे पता है कि मेरे लिए डेली तुम ही गुलाब का फूल रख कर जाते हो, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एंजेला वहाँ से चली जाती है और नीनो अपने बड़े भाई पर निगरानी रखने लगता है, पर एंटोनियो भी जल्दी से तैयार होता है और एंजेला के कमरे में जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों भाइयों को झटका लगता है, क्योंकि उसके पापा भी तैयार होकर एंजेला के कमरे में जा रहे थे। यहाँ नीनो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों को कैसे रोके, इसलिए वो एक गिलास उठा के बाहर का कांच तोड़ देता है, जिससे सबको लगता है कि घर में कोई चोर आ गया है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उन्हें वहाँ ग्लास के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी वाइफ की तस्वीर के पास जाकर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम तो चली गई, लेकिन क्या मेरा मन नहीं करता टपाटप करने का, और बोलता है कि मरने के बाद भी तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। अगली सुबह इग्नेजियो एंजेला से अपनी शादी की बात करता है और नीनो भी ये सारी बातें सुन लेता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एंजेला को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भी इग्नेजियो को हाँ कर देती है। लेकिन इग्नेजियो के आगे एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसे अपनी माँ से शादी के बारे में पूछना था। उसके अगले दिन इग्नेजियो अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है और अपनी माँ से एंजेला के बारे में बात करता है, जहाँ उसकी माँ उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि क्या तुझे नौकरानी के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली। नीनो भी चुपचाप से ये सारी बातें सुन रहा था और यहाँ उसकी शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो इस शादी को कैसे रोक सकता है। और नीनो रात में अपने छोटे भाई को उठाकर उसे प्यार से समझाता है कि कल रात माँ मेरे सपने में आई थी और वो बोल रही थी कि मेरा छोटा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता और वो एंजेला को पसंद करने लगा है, जिस पर वो छोटा बच्चा रोने लगता है। तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं। तभी एंजेला उसके पास जाती है और वो बोलता है कि मुझे मेरी अपनी माँ चाहिए। ये सुनने के बाद इग्नेजियो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी माँ भी इस शादी के खिलाफ हो जाती है। लेकिन एंजेला ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि ये सारे काम किस हरामी बच्चे का हो सकता है। जिसके बाद एंजेला नीनो के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पर नीनो उसे कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि नीनो इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। और वो अगली रात फिर से अपने छोटे भाई को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा भाई नहीं उठता। फिर नीनो खुद ही अपना हरामीपन दिखाने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि आज रात मेरे सपने में मेरी माँ आई थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी जगह कोई और ले, और इस बात से शादी कुछ और दिनों के लिए टल जाती है। एंजेला इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि शादी टलने का मेन रीजन क्या है, इसलिए वो नीनो की हर एक बात मानने लगती है, जिससे एंजेला की शादी में आने वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। और जब घर के बड़े बेटे को पता चलता है कि पापा एंजेला के साथ शादी करने वाले हैं, तब वो एंजेला के बारे में उल्टा सीधा सोचना बंद कर देता है और वो रात में अपनी दोस्त के घर पार्टी में चला जाता है। उसके बाद घर में सिर्फ एंजेला, नीनो और उसका छोटा भाई था। रात में तेज तूफान की वजह से घर की लाइट चली जाती है और एंजेला को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए नीनो उसे डराकर उसका फायदा उठाता है। वो एंजेला को टॉर्च दिखाकर उसे कपड़े उतारने के लिए बोलता है और एंजेला भी बिल्कुल वैसा ही करती है, और उसके बाद वो दूसरे कमरे में जाकर टपाटप करते हैं। अगले दिन इग्नेजियो को अपनी माँ से शादी करने के लिए परमिशन मिल जाती है, जिस पर नीनो अपने पापा से बोलता है कि कल रात सपने में मेरी माँ आई थी और उसको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने आपको परमिशन दे दी है। जिसके बाद इग्नेजियो की शादी एंजेला के साथ हो जाती है। शादी के बाद वहाँ के कल्चर के हिसाब से इग्नेजियो एंजेला अपने सारे बेटों को अपने बच्चे की तरह किस करने के लिए बोलता है, जिस पर एंजेला सबसे बड़े और सबसे छोटे बेटे को किस कर लेती है, पर वो नीनो को किस नहीं करती और वो उसे देखकर स्माइल करती है, क्योंकि नीनो ने चुम्मा चाटी के अलावा भी बहुत कुछ कर लिया था। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।